धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गंधवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि गंधवानी नगर में इतनी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट सरिया गिट्टी और अन्य दुकानें होने के बावजूद भी गंधवानी ग्राम पंचायत के सचिव पूर्व में जहां पर थे सिंघाना में वहीं से सामान खरीदते हैं और टैक्स गंधवानी के लोग भरते हैं। और अनिल शर्मा ने कहा कि मैं सारे कागज प्रूफ के साथ पेश करूंगा और सही पैसा सरकार का सही जगह लगाना चाहिए, यदि इसमें किसी प्रकार की जांच में कोताही की गई तो मैं अनशन पर बैठूंगा और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। और वही ग्राम पंचायत गंधवानी के सचिव प्रवीण दुबे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत के सचिव से पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक का दिन जो व्हाट्सएप किया उस बिल पर जो नंबर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नहीं है, वो कपड़े दुकान का बिल है। तो ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि हो सकता है कि किसी कारण में ऐसा हो गया हो, मैं दोबारा बिल देखता हूं। धार गंधवानी से ब्यूरो चीफ आनंद पांडे की विशेष रिपोर्ट। उनके माध्यम से भ्रष्टाचार किया गया है। इन बिलों में जो भी फर्म है वो आपको कहीं गंधवानी में नजर नहीं आएगी, सब फर्जी बिल है, जिनमें कई सबूत ऐसे हैं कि इतनी राशि अगर हमारे नगर को मिल जाती तो वाकई हमारा नगर विकास की राह पर दौड़ने लग जाता। फर्जी बिल स्ट्रीट लाइट के, जहां से एलईडी आई है वहां के लगाए गए हैं। जब मैंने उन एलईडी कंपनी में फोन लगाया, इन्होंने जिस कंपनी की एलईडी लगाई और जो बिल लगाए हैं, जब मैंने उस कंपनी में एलईडी के लिए फोन लगाया तो उन्होंने जो मुझे रेट बताए और इन्होंने जो रेट लगाए हैं, 1000 से 1200 रुपए का एक एक एलईडी में अंतर है। आप चाहें तो वहाँ ऑनलाइन ये बिल निकाल के और वहाँ पे फोन लगा के आप देख सकते हैं। मैंने जब ये जानकारी कपड़ा दुकान में बिल मैंने जब ये जानकारी लेना चाही, जब मैंने उन बिलों के मालिकों को खंगालना चाहा, फोन लगाया तो पता पड़ा कि किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की कोई सी दुकान है, लेकिन उससे संबंधित उनकी एक भी दुकान, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी बिल लगे हैं फर्जी बिल लगा, इलेक्ट्रिक वाले का बिल लगा फर्जी लगा, फर्जी का वाले का लगा मतलब फर्जी लगा, सब फर्जी बिल लगा। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप देखिए और आप जांच करिए। और इसमें आपने भी थोड़ी देर पहले एक आरोप लगाया कि नगर से सामग्री ना खरीदते हुए अन्य जगह के मार्केट से सामग्री खरीदी। हाँ, मैं 8 से 9 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के बिल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऑनलाइन निकाल कर उन बिलों को, मैंने सबके व्हाट्सएप पे डालूंगा, आप उन बिलों को देखिए, सब नगर से बाहर से सामान आया हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी ध्यान दीजिए, सब नगर के बाहर से सामान आ रहा है, गंधवानी से एक सामान नहीं मिल रहा है। कहाँ से आया ये सामान? ये सब सिंघाना से, मनावर से और यहाँ की सब फर्जी फर्मों से। अगर गंधवानी की दुकानों से लिया गया है तो उन फर्जी फर्मों से, दुकानों से नहीं लिया गया, फर्जी फर्मों से माल लिया गया। कल पंचायत के मंत्री ने PDF डालकर मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये टंकी का पैसा उन्होंने इन रोडों में लगाया, जबकि मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि वो रोड सालों पहले बन चुके हैं। उन रोडों की फोटो इस टंकी में चिपका कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। ये टंकियां बनी कहां पे, जिनको लेकर आप बात कर रहे हैं, इनका स्थान क्या है? इन्होंने पंचायत की शिकायत उच्च स्तर अधिकारी CO को की, मैंने माननीय SDM महोदय को की है। CO के पास जब हमारा एक व्यक्ति कुछ कागज लेकर गया, मैंने किसी को भिजवाया और जब मैंने उनको बताया कि ये इस तरह का, तो माननीय CO ने कहा कि आप ये सब कलेक्टर को बताइए। मतलब CO ने पल्ला झाड़ लिया? CO ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया इस बात। आप ये देना चाहते हैं मतलब CO की ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी तरह से हाथ खींच लिया? बिल्कुल खींच लिया उन्होंने। नहीं तो जिम्मेदार पद पे बैठी है CO, जिम्मेदार पद पे बैठी है। उन्होंने क्या यहाँ पे आकर इससे पूछा कि ला ये काम कहाँ पर हुए हैं, तूने इतना पैसा निकाला कहाँ पर लगाया? अगर वो जांच करती CO मैडम तो उन्हीं को मालूम पड़ जाता कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। जब एक सामान्य आदमी को मालूम है
तो क्या इन बड़े अधिकारियों को नहीं मालूम कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे? सीओ मतलब अपनी बॉडी को संरक्षण दे रही, बिल्कुल बिल्कुल दे रही है। अगर इससे तो यही साबित होता है कि सीओ सीधा सीधा संरक्षण दे रहा है। मैं पुनः आप सबका आभार मानते हुए, महिला सरपंच ने बताया जा आपको, अब मैं वो देखो अब वो नाम में कैसे, मैं वो पूरा कागज आपको एटीएम कार्यालय से ला दूंगा। एटीएम के पास है वो कागज, महिला जो बयान दे के आई है वहाँ, वो उनके पास है। शासन तुरंत अधिग्रहित कर लूंगा, मेरी दुकान सही है। ये जो मामला है वो पंचायत दर्पण पे पोर्टल पे सभी चीज वाउचर और ये सभी प्रदर्शित होते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचारी रहती है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट पे सभी तथ्य मौजूद है। और कोई भी निर्माण कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है, एक ही पार्टी से तो कोई मटेरियल पूरा उठा नहीं सकता इंसान, कोई भी कर्मचारी, सभी अलग अलग पार्टियों से बिल लेके उनको सामग्री क्रय की है, और जो पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जैसा मार्गदर्शन दिया गया और उनके द्वारा जो काम किया गया और पंचायत को मुझे जो बिल पुट अप किए गए वही मैंने उनको भुगतान किया। दारों में ये भी है कि आपने यहाँ कुछ 5 भूमिगत टंकियाँ आई थी, उसके अवैध में आपने वहाँ पे सड़कें निर्माण करी, तो ये सही है क्या? ये तथ्य सरासर गलत है, क्योंकि पंचायत दर्पण पोर्टल पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि कंफ्यूजन में आदमी को पढ़ने में लगते थे। उसमें भूमिगत पेयजल जो टंकी, भूमिगत टंकी के नाम से थी, उसमें पंचायत में जो पाइपलाइन जो विगत विधानसभा चुनाव के समय जो रोड ठेकेदार के द्वारा रोड निकालने के समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करके उखाड़ के फेंक दी थी, उस समय हमने तत्कालीन पेयजल की व्यवस्था के लिए नई सेंक्शन करवा के पाइपलाइन को डाला था पंचायत में, और उसमें करीब 4 से 5 पाइपलाइन अलग अलग टुकड़ों में स्वीकृत करी, क्योंकि गंधवानी एरिया की जो मेन रोड है वो करीब 1 किलोमीटर के समथिंग है, और टोटली 5 ही तथ्य जो है भूमिगत टंकी के नाम से है, उसमें पाइपलाइन पेयजल पाइपलाइन का विस्तार किया गया। और उनका आरोप है कि आपने जो बिल दिए वो बिल इलेक्ट्रॉनिक की बजाय कपड़ा दुकान का निकल रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बिल में कोई कपड़ा दुकान वाला के बिल में अगर 3 से 3 नंबर डाला हुआ है तो वो सीमेंट सरिया तो बेचेगा नहीं। ये हो सकता है कि सामने वाले ने जो तथ्य दिया है या मोबाइल नंबर जो बिल में अंकित है वो गलत हो, क्योंकि जो अंकित है वो तो बिल के ऊपर ही दर्शाता है, कोई अलग से तो बिल के ऊपर अपने फोन नंबर लिख के नहीं सेट करेगा।